अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2, सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट जो चैप्टर है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट एंड नीड। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज दैट इज कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ सपोर्ट एंड मूवमेंट। सो ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ रिक्वायर सपोर्ट एंड मूवमेंट, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर सपोर्ट एंड ऑल्सो मूवमेंट। जब हम ये कह रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल दोनों को जो है वो सपोर्ट और मूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो एनिमल का तो हमें समझ आता है कि उनको मूवमेंट की नीड होती है। तो डू प्लांट्स मूव, क्या प्लांट्स भी मूव जो है वो करते हैं? यस, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट्स शूट्स, दीज पार्ट्स मूव ड्यू टू द स्टिमुलस। अब ये जो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, ये इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, ये डिफरेंट केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट जो है वो उसकी वजूहत होती हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं सपोर्ट या मूवमेंट की प्लांट में, अगर हम बात कर रहे हैं सपोर्ट एंड प्लांट्स, तो प्लांट्स को जो सपोर्ट जो है जो प्रोवाइड करता है, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास दो तरह के प्लांट्स होते हैं, यंग प्लांट्स एंड एडल्ट प्लांट। यंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, उनमें दो टिश्यूज़ होते हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लाइक पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। और जो एडल्ट प्लांट होते हैं उनमें जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं टिश्यू, वो कहलाते हैं स्क्लेरेन्काइमा। बेसिकली ऑल प्लांट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें कि पैरेन्काइमा कैसे टिश्यूज़ होते हैं, तो पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटस सेल्स या पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ जो होते हैं वो थिन वॉल जो है वो टिश्यू होते हैं, और उनका ल्यूमेन लार्ज होता है। ये लिविंग सेल्स होते हैं, जो इन टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जो सेल्स हैं उनके आपस में दरमियान में जो स्पेसिस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और दे आर अनस्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है। ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब कोई स्पेशल टाइप का जो है वो काम नहीं कर रहे होते, डिफरेंट इनका शेप भी हो जाता है, ठीक है। और दे आर फंक्शन इज़ टू स्टोर फूड, इनका जो काम होता है वो जो फूड होता है उसको स्टोर करना होता है, या इसीलिए इनको कहा जाता है अनस्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है। तो ये हमने बात की पैरेन्काइमा की। अब हम आ जाते हैं कोलेन्काइमा की तरफ। कोलेन्काइमा कैसे टिश्यूज़ होते हैं, कोलेन्काइमेटस टिश्यूज़ जो होते हैं उनके सेल्स कैसे होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू पैरेन्काइमा, उनकी कोलेन्काइमा की जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो थिक होती है एज़ कम्पेयर टू पैरेन्काइमा। इनका ल्यूमेन जो होता है वो स्मॉल होता है। ल्यूमेन कहते हैं जो सेल के अंदर की कैविटी होती है, जो जगह होती है, उसको ल्यूमेन कहा जाता है। पैरेन्काइमा की जो ल्यूमेन होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, कोलेन्काइमा की जो टिश्यूज़ का ल्यूमेन होता है वो छोटा होता है, ठीक है। दे आर लिविंग सेल्स, ये भी लिविंग सेल्स होते हैं। दे हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसिस, ठीक है। पैरेन्काइमा में क्या था, इस इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा थी, जबकि कोलेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो कम है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है पैरेन्काइमा से कोलेन्काइमेटस टिश्यूज़ में, ठीक है। अब इनके जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि उनका एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन जो है वो स्पेशल फंक्शन होता है। इनका फंक्शन ये होता है कि ये फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, फर्स्ट ईयर में मैंने जो पढ़ाया था आपको टॉपिक, उसमें आपको मैंने फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ाया था, और मैंने ये बताया था कि कोलेन्काइमेटस सेल्स मौजूद होते हैं और वो सेल्स जो है वो स्टोर कर लेते हैं वाटर को, और फिर वो स्टोर करके और फिर वो फंक्शन फॉर्म करते हैं, मतलब पार्ट लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, क्योंकि कोलेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। तो इसलिए ये फंक्शन, इनका फंक्शन ये होता है कि ये फूड और वाटर को स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बात की कोलेन्काइमा की। अब हम थर्ड आ जाते हैं स्क्लेरेन्काइमा, जो कि एडल्ट प्लांट्स में जो है वो मौजूद होते हैं, यंग प्लांट्स में स्क्लेरेन्काइमा मौजूद नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं, और डेड सेल्स का मतलब ये है कि ये ऐसे पार्ट्स में पाए जाते हैं प्लांट्स के जो कि ऐसे पार्ट्स में पाए जाते हैं प्लांट्स के जो कि वुडी पार्ट्स होते हैं, लाइक ट्री ट्रंक,
ठीक है, ऐसे जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ये सेल्स पाए जाते हैं, ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इनका नाम जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है। अच्छा, इनकी दे हैव थिक वॉल्स, देयर ल्यूमेन इज़ वेरी स्मॉल, दे आर डेड सेल्स, दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसिस। इनकी कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती, इनके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। ल्यूमेन इनकी बहुत छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर इनकी वॉल थिक, सबसे ज़्यादा थिक वॉल होंगी तो अंदर इनके ल्यूमेन का जो पार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? वुडी प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका जो फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन ये होता है कि ये देयर फंक्शन इज़ टू सपोर्ट प्लांट्स। और कौन से प्लांट्स? एडल्ट प्लांट। अच्छा, इस स्क्लेरेनकाइमा को हमने कैटेगराइज किया है 4 टाइप्स ऑफ सेल्स में। नंबर 1 इज़ ट्रेकीड्स, नंबर 2 इज़ वेसल्स, नंबर 3 इज़ फाइबर्स एंड नंबर 4 इज़ स्क्लेरीड्स। नंबर 1 ट्रेकीड्स की अगर हम बात करें तो ट्रेकीड्स कैसे सेल होते हैं? दे आर सिलेंड्रिकल सेल्स एंड फाउंड इन जाइलम। मैंने आप लोगों को जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, तो जाइलम के सेल्स अगर आप लोगों को जहन में हो तो जाइलम के जो सेल होते हैं वो सिलेंड्रिकल जो सेल्स होते हैं वो ट्रेकीड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब वेसल्स की अगर हम बात करें तो वेसल्स के जो है वो भी जाइलम का एक जाइलम के ही सेल्स हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जाइलम में पाए जाते हैं। अच्छा, नंबर 3 पे हमारे पास है फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स कैसे सेल्स होते हैं? फाइबर्स ऐसे सेल्स होते हैं, दे आर लॉन्ग सेल्स विथ टैपर्ड एंड। लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और टैपर्ड एंड यानी कि नोकीले, या जिस तरह मैंने आपको लेक्चर में बताया है इसके जो है वो नोकीले एंड्स होते हैं, टैपर्ड एंड होते हैं। ठीक है, अच्छा, स्क्लेरीड्स, स्क्लेरीड्स की अगर हम बात करें तो स्क्लेरीड्स जो है वो इरेगुलर सेल्स होते हैं, फाउंड इन कोटिंग ऑफ नट्स। जो नट्स आप लोगों ने देखे होंगे, लाइक अखरोट अगर आप लोगों ने खाए हैं तो अखरोट की कोटिंग देखी है आपने, तो उस कोटिंग में ये इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोन सेल्स। इनको हम स्टोन सेल्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा की डिटेल्स जो है वो कंप्लीट हो रही है। ये इस तरह ये सारे ये 3 टाइप के टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और एडल्ट प्लांट में जो है वो पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा पाया जाता है, सॉरी यंग प्लांट में जो है वो पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा पाया जाता है, एडल्ट प्लांट में स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है सपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, मतलब हम सपोर्ट इन प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं, तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि पैरेनकाइमा ऐसे होते हैं, कॉलनकाइमा ऐसे होते हैं और स्क्लेरेनकाइमा ऐसे होते हैं, तो पैरेनकाइमा और कॉलनकाइमा जो यंग प्लांट्स हैं उनको किस तरीके से सपोर्ट देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे ये बात कर रहे हैं कि सपोर्ट इन प्लांट्स में जो जो प्लांट्स की हम बात करेंगे, प्लांट्स को ये सेल्स, ये टिश्यूज जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो पैरेनकाइमा या कॉलनकाइमा किस तरह से जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है? पैरेनकाइमा अगर सपोर्ट कर रहा है तो पैरेनकाइमा की जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया कि ये थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है, और इरेगुलर इन शेप होते हैं, इनकी कोई ज़्यादा ख़ास मखसूस शेप नहीं होती, या तो राउंडेड होगी या फिर थोड़ा सा जो है वो ओवल शेप हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हम ये यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से ये सेल जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है प्लांट को। सो द बेसिक प्रिंसिपल इज़ टर्गर प्रेशर। ठीक है, इन सेल्स में टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है, और वो टर्गर प्रेशर जो है वो इन सेल्स को एक हार्डनेस, एक जो है वो शेप प्रोवाइड करता है, और वो सेल्स पे शेप प्लांट को जो है वो सपोर्ट में हेल्प करते हैं। टर्गर प्रेशर कैसे प्रोवाइड होता है? जब प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद सेल जो है वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब इनमें पानी की तादाद बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा जो है वो इनमें पानी भर जाता है, तो इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं अंदर से बाहर की तरफ, और वो प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर।
क्योंकि जो सेल होता है वो टर्जिड कंडीशन में चला जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है टर्गर प्रेशर का। ये टर्गर प्रेशर उस सेल को रिजिड बना देता है, जिसकी वजह से ये सेल्स जो है वो यंग प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड पे हम आ जाते हैं कि कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा किस तरीके से प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, ठीक है, और उन वॉल्स के अंदर लिग्निन जो है वो डिपॉजिट होता है। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि इन सेल्स के अंदर मौजूद होता है और हार्डनेस प्रोवाइड करता है सेल को, जिसकी वजह से प्लांट्स को जो है वो सपोर्ट मिल रही होती है। ठीक है, ये हमने पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की बात की। अब अदर फैक्टर अगर हम देखें लाइक विंड, ठीक है, तो विंड भी जो है वो प्लांट्स को जो है सपोर्ट या खड़ा रहने में मदद देती। किस तरीके से? विंड जो है वो प्रेशर, हवा जो है वो प्रेशर लगाती है, यानी कि अगर गुजर रही है प्लांट के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करती है, उसके नतीजे में उसके रिस्पॉन्ड में प्लांट जो है वो प्रेशर जो है वो लगाता है और एक नेगेटिव, एक अपोजिट प्रेशर आता है और उसकी वजह से वो इरेक्ट खड़ा रहता है।